नमस्कार दोस्तों, ए बी बी टैंक में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि कैलकुलेटर हाइड फोटो वीडियो ऐप क्या और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे इस ऐप में अपने फोटो वीडियो किस तरह से छुपा सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड पर बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हो इस ऐप में अपना जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इस तरह से इस ऐप का रिव्यू देखने को मिलेगा 3.4.7 है और इसकी डाउनलोडिंग है वो 5 करोड़ प्लस देखने को मिल जाएगी जो कि इसकी डाउनलोडिंग काफ़ी अच्छी और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उसी तरह से इस ऐप को ऐसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें आप किस तरह से यहाँ पर अपने जो भी ऑप्शन रहेंगे वो शो करेंगे। शो हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो ऐसे हमारे सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका जो भी इंटरफेस रहेगा वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से आने के बाद दोस्तों ऐसे हमारे सामने हमारे जो भी ऐप रहेगी कुछ इस तरह से ऐसे आपके सामने ओपन होने लगेगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो ऐसे आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। उसी तरह से ऑप्शन आने के बाद दोस्तों ऐसे आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर अपनी जो भी लैंग्वेज है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों उसी तरह से मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंग्लिश करने के बाद डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने जो भी पासवर्ड है यहाँ पर आप पासवर्ड ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों उसी तरह से ऐसे मैंने इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और उसी तरह से ऐसे आपको वापस अपने जो भी 4 अंक वाला पासवर्ड ऐड कर लेना है। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अंशुभर में अपना जो भी नाम है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे सामने हमारा जो भी नाम से भी यहाँ पर अपना जो भी लॉग है वो खोल सकते हो। यहाँ से अपने पासवर्ड आप भूल जाओ तो यहाँ से अपना नाम ऐड कर लेना है। उसी तरह से दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ से हमारे सामने टाइमिंग का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारे सामने कुछ इस तरह से ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। उसी तरह से नीचे क्लोज का ऑप्शन है तो क्लोज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लोज वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने जो भी फोटो वीडियो को कुछ इस तरह से अलाउ कर लेना है। तो यहाँ पर अलाउ करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ऐड आएगी तो ऐड को हम वापस साइड से क्लोज कर देंगे। साइड से क्लोज करने के बाद दोस्तों इस यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हमारे सामने ऐड आएगी तो ऐड को हम कुछ इस तरह से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे सामने हमारे जो फोटो वगैरह इधर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ऐसे हमारे जो फोटो वगैरह यहाँ पर हमने ऐड करके रखा है तो यहाँ पर अपने जो भी फोटो रहेंगे वो कुछ इस तरह से यहाँ से आपको लॉक खोल लेना है। लॉक खोलने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे जो भी सभी फोटो और यहाँ से अपने जो भी वीडियो वगैरह यहाँ पर आपने छुपा रहेंगे यहाँ पर हम साइड से यहाँ पर ऐड को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से अपने जो भी वीडियो वगैरह यहाँ पर आपने प्लस किया या फिर अपना जो भी प्लस यहाँ पर आपने अपने गैलरी में ऐड करोगे तो वो भी यहाँ पर सेव रहेगी। जो भी यहाँ पर अपने जो भी कौन सा भी वीडियो है मैं यहाँ पर ये वाला वीडियो ऐड करके दिखा दो तो उसी तरह से इधर हाइड वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये हमारा जो भी वीडियो रहेगा यहाँ पर हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो तो जिस तरह से वापस ऐड आएगी तो ऐड को हम वापस साइड से क्लोज करके यहाँ पर क्लोज कर देंगे और यहाँ से हमारा जो भी ये रहेगा वो हाइड हो जाएगा क्योंकि ऐसे हमारे सामने हमारा जो भी वीडियो रहेगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पर हाइड हो जाएगा। और उसी तरह से इस वाला ऑप्शन पे आप पहले क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारे सामने वापस कुछ इस तरह से ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद उसको यहाँ से हमारे सामने कुछ इस तरह से यहाँ से हमारा जो प्रॉब्लम रहेगी वो यहाँ पर हमारा जो भी वीडियो रहेगा वो हाइड हो जाएगा। और कुछ इस तरह से यहाँ से आप कितने भी अपने फोटो वीडियो वगैरह यहाँ से छुपा सकते हो। और दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ से आप छुपाने के बाद इसे रिकवर करना चाहते हो तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो क्योंकि ये हमारे जो भी फाइल में हमारा जो भी वीडियो रहेगा वो वापस चला जाएगा। और उसी तरह से ऐसे अपने जो भी फोटो वगैरह यहाँ पर आप वापस यहाँ पर स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद दोस्तों ऐसे हमारे सामने हमारा जो भी ये वीडियो रहेगा यहाँ पर हमारे जो भी फोन की गैलरी में वापस ऐड हो जाएगा। और उसी तरह से फ़ोटो को भी आप वापस अपने जो भी आपने फ़ोटो वगैरह ऐड किए हुए तो उनको भी आप यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसे इस वाला ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ से आपके सामने वापस बार बार ऐड आ रही है तो ऐड को हम वापस साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे सामने हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर हमारी जो भी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ से आपको कर सकते हो। एक एक करके आपको सभी को करना है और उसी तरह से यहाँ से हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर अपने जो भी इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको डेट वगैरह इसके देखने को मिल जाएगी। और उसी तरह से दोस्तों इसे आप अपने मोबाइल में सेटिंग के ऊपर एक ऑप्शन है सेटिंग वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस ऐप की जो भी पासवर्ड चेंजिंग वगैरह इधर पूरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और कुछ इस तरह से यहाँ से इसकी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इस ऐप को यहाँ से आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से आप पासवर्ड रीसेट का भी ऑप्शन है तो कुछ इस तरह से इस ऐप को यहाँ से आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।